हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर विदाउट चैनल सब्सक्राइब करें आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको ये वाला थालपुस बनाना बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। देखिए, पाइनएप्पल स्टिच में हमने ये थालपुस बनाया है। तो हमारे पास कॉमेंट आते हैं कि हमें बड़ा थालपुस बनाना है, तो अगर आप लोगों को बड़ा थालपुस बनाना है तो ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसको आप और बढ़ा लें। उसके बाद ये लास्ट में जो हमने पाइनएप्पल बनाए हैं वाइट कलर से, ये वाले ये बाद में बनाए, ठीक है। तो हमने रेड कलर से चार रो बनाई है हमने, उसके बाद हमने वाइट कलर के पाइनएप्पल बनाए हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, जितना भी बड़ा आपको थालपुस बनाना है उस हिसाब से आप ये रेड वाली रो और बढ़ा लें, 7-8 रो बना लें, उसके बाद आप ये वाला डिज़ाइन डालें, ठीक है। और आगे वीडियो में हमने आपको बता दिया है कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा हमने इसी वीडियो में आपको बताया है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमने रेड कलर की ऊन ली है और ये 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से, देखिए, ठीक है। अब हम 1, 2, 3, 4 और 5 पांच चेन लेके वापस इसी जगह हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर से 2 चेन बनाएंगे हम, 1 और 2 फिर से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 चेन लेनी है और 12 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए, हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली। अब 2 चेन लेकर और इसमें हम ज्वाइन करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में 5 चेन ली हैं इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए, 12 डबल क्रोशिया हैं, अब 2 चेन ले ली हमने, 1, 2, 3 ये तीसरी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस ऊन को हम कट कर देंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए, हमने ये वाली ऊन कट कर दी है, ग्रीन कलर की ऊन को ले लिया हमने। ग्रीन कलर की ऊन को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 1, 2, 3 तीन चेन लेकर वापस इसी जगह हम डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया देखिए हो गई हमारे पास, और एक बार और बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। देखिए, 3 हो गई। एक चेन लेकर यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे, देखिए 1, 2 और 3 ठीक है, 3 बार इसमें बना लिया। फिर से एक चेन लेकर और इसमें हम 3 बार बनाएंगे, देखिए 3 बार इसमें बना लिया। फिर से एक चेन लेकर और 3 बार हम इसमें बनाएंगे, इसी तरीके से एक एक चेन लेनी है, 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। देखिए, हमने बना लिया। अब एक चेन लेकर इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऊन को हम कट कर देंगे, फिर वाइट कलर की ऊन से हम आगे का डिज़ाइन आपको बताएंगे। तो ये हमने कट कर दिया, अब यहाँ पर हम वाइट कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे इसमें, चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई है और एक और बना लिया हमने, 2 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए, अब हम 1, 2 चेन लेकर वापस इसी जगह हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 ठीक है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले स्पेस में डालेंगे, जो जगह है ये वाली स्पेस है यहाँ पर डालेंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 2 बनाने के बाद 2 चेन लेकर 1, 2 वापस इसी जगह 2 बनाएंगे हम, अब इसमें डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। देखिए, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें डाल के, ये 2 चेन लेकर वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है, ठीक है।
पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम इसको ज्वाइन करते हुए स्लिप स्टिच ज्वाइन करते हुए बीच में लेकर आएंगे। तीन चेन बना ली हमने, चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया और ये दो, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन लेनी है हमें, एक दो, वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ठीक है। अब हमें बीच में, अभी हमने एक भी चेन नहीं ली थी बट अब हमें एक चेन लेनी है। देखिए एक चेन लेकर इसमें डालेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब फिर से एक चेन लेकर यहाँ पर डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक और ये दो, दो चेन और फिर से हम इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से एक चेन लेकर और यहाँ बनाएंगे। तो इस रो को ऐसे ही बनाना है, इस रो को ऐसे ही बनाने के बाद फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो हमने पूरी रो बना ली है, उनको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरी रो वाइट कलर से कैसे बनानी है हमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम छः चेन बनाएंगे, देखिए फिर से हम आपको दिखा दें, देखिए छः चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन बना के चौथी वाली चेन में डालकर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया के बाद एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन लेके इस जगह डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन और इस जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है इस तरीके से। फिर से एक हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरीके का ये लास्ट वाला डिज़ाइन दिखेगा, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड में तीन तीन चेन की डिज़ाइन है, बीच में पांच चेन की। अब हम एक और दो, दो चेन लेके इसमें बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चेन लेकर इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन यहाँ डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांच चेन, देखिए चार और पांच, पांच चेन लेके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, एक दो तीन यहाँ पर डालकर इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। इस तरीके से लास्ट का हमारा डिज़ाइन दिखेगा, देखिए, ठीक है। फिर से दो चेन बनाएंगे हम, एक और ये दो, यहाँ पर डालकर एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से दो चेन, एक और दो, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, इस जगह डाल के इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, फिर से एक डबल क्रोशिया, पांच चेन, इस जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, तीन चेन और इसी जगह डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट ए एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और इसको हमने कट कर दिया, छोटा सा फूल बन गया है। अब यहाँ पर हम रेड कलर की उनको ज्वाइन करेंगे और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चेन ले जाकर इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से हम आठ चेन बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको ले जाके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे,
ठीक है। इस तरीके से हमें आठ आठ चेन लेकर और इसको ज्वाइन करते जाना है। देखिए हमने पूरा ज्वाइन कर लिया है, अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए पूरा हमने बना लिया, अब इसको बीच में लेकर आएंगे। यहाँ से हम एक दो तीन तीन चेन ले ली, चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गया। वापस इसी जगह बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये लास्ट पंद्रह। ठीक है, पंद्रह हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप तेरह डबल क्रोशिया या चौदह डबल क्रोशिया बनाएं, अगर आपकी ऊन पतली है तभी आप पंद्रह डबल क्रोशिया बनाएं। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अगर मोटी ऊन है तो बारह बार या तेरह बार डबल क्रोशिया बनाएं, पतली है तभी पंद्रह बार बनाएं। इसमें भी हम पंद्रह बार बनाएंगे कि इस सब में हमें पंद्रह पंद्रह डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पंद्रह पंद्रह बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसमें पंद्रह बार बनाएंगे, इसमें बनाएंगे पंद्रह बार, सब में पंद्रह पंद्रह बार बनाने के बाद आगे दिखाते हैं। हमने ये पूरी रो बना ली है, अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, देखिए यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई। एक चेन लेकर वापस इसी जगह हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर एक चेन लेकर और एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन छोड़ेंगे यहाँ पर डालकर एक डबल क्रोशिया, पहले वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। एक चेन लेकर फिर से इसी जगह हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, फिर से एक चेन लेकर और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन छोड़ेंगे और बीच में यहाँ पर हम पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे, एक और ये दो। देखिए फिर से हम यहाँ से फिर से छः हम छोड़ेंगे, देखिए एक चेन ले ली, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर डाल के पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए हमने पूरी रो बना ली है, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लिया, अब देखिए हम क्या करेंगे। देखिए इसको बीच में लेकर आएंगे, बीच में आ गए। अब देखिए यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई और वापस इसी जगह बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। एक चेन लेकर वापस इसी जगह हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, फिर से हम, अब देखिए अभी हमने एक चेन ली थी, अब हम दो चेन बनाएंगे, एक दो। ठीक है, इसके अगली रो में तीन चेन हो जाएंगी, और अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो उसके अगली रो में चार चेन, फिर पांच चेन, फिर छह चेन, इसी जगह आपको चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। जितना भी आपको थालपुस, जितना भी बड़ा आपको थालपुस बनाना है, बस इसी रो को आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम तीन रो बनाएंगे, इसके बाद एक रो और बनाएंगे बस। तो देखिए यहाँ पर फिर हमने दो डबल क्रोशिया बना लिया, फिर दो चेन, एक और दो, दो चेन लेकर और यहाँ पर हम बीच में डालेंगे, पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, फिर हम एक चेन बनाएंगे, वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और सेम ऐसे ही हम दूसरी रो बनाएंगे, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए तीसरी रो हमारी आ गई है, तो हमने
ये वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ पर हमने दो चेन ली हैं तो हमें फंदे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हम दो चेन फिर से ले रहे हैं, हम तीन चेन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ भी दो चेन ली है, अब फिर से हमने दो चेन ले ली। बट अगर आपको झोल लगे तो आप तीन चेन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया। तो इस डिज़ाइन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, बस जो बीच में हम चेन ले रहे हैं एक दो, देखिए चेन ले रहे हैं यहाँ पर ही, हमें अगर इससे बड़ा आपको बनाना है तो इसके अगली रो में तीन चेन कर लें, फिर उसके अगली रो में चार चेन कर लें, फिर उसके अगली रो में पांच चेन कर लें, बस इसी जगह को आपको बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम पाइनएप्पल जो बनाएंगे वो बनाएं, तो आपका काफ़ी बड़ा थाल पोस बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि हमें छठ पूजा के लिए बड़ा थाल पोस बनाना है, तो इस तरीके से आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल है, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया बनानी है हमें इस तरीके से, देखिए। फिर बीच में हमें दो चेन लेके अगली डिज़ाइन में बनाना है। तो इस रो को बनाने के बाद हम अगली रो दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो हमने ये पूरी रो बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हम वाइट कलर की उनको ज्वाइन करेंगे, और जैसा हमने ये डिज़ाइन बनाया है सेम ऐसा ही हमें बनाना है, पहले दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया। ठीक है, तो उनको ज्वाइन करेंगे पहले, उनको हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया हमने, एक चेन ले ली है, दो चेन और तीन चेन। तीन चेन लेने के बाद वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे। ठीक है, तो एक डिज़ाइन में हमें सेम ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है, और दूसरे वाले में हमें चेंज करना है। देखिए एक हो गए, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम तीन चेन बनाएंगे। तो अगर आपने बड़ा बनाया है तो जो आपकी रो चल रही है, जैसे कि आपने चार चेन की रो हो गई है, पांचवी चेन की आई है, तो पांच चेन ले। हमने देखिए इससे पहले रो में दो चेन ली थी, इसलिए अब हम तीन चेन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। देखिए एक हो गया हमारे पास, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे हम, दो डबल क्रोशिया हो जाएगा। टोटल हमें नौ डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। ठीक है, देखिए तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये लास्ट नौ। ये देखिए हमने नौ डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, क्योंकि इसके अगली रो में हमने दो चेन बनाई थी। अगर आपने रेड वाला पोर्शन बढ़ाया है तो जितनी आपकी चेन चल रही हैं उसके बाद जितनी चेन चलेंगी वो लेनी है आपको। लाइक आपने चार चेन तक बना लिया है तो पाँच चेन बनाएँ, पाँच चेन तक बना लिया तो छः चेन बनाएँ, इस तरीके से बनाएँ। तो यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर और वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डिज़ाइन में हमें सेम बनाना है, एक डिज़ाइन में हमने नौ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब इसके अगली डिज़ाइन में हमें नौ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन चेन लेकर यहाँ पर हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, इसके अंदर। देखिए हमने नौ डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब फिर से हम एक, दो, तीन चेन लेकर यहाँ पर सेम बनाएंगे, सेम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। एक डिज़ाइन में हमें दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया बनाना है, और दूसरी डिज़ाइन में हमें नौ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। एक डिज़ाइन में हमने नौ डबल क्रोशिया बनाई है, एक में चार बनाई है। ठीक है, अब देखिए हम फिर से बीच में आ गए, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस वाले डिज़ाइन में हमें सेम ऐसे बनाना है, जो हमने नौ डबल क्रोशिया बनाई है बस उसमें चेंज करना है। तो तीन चेन ले ली और ये दो डबल क्रोशिया देखिए हो गई हमारे पास, एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब जो नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसकी फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, यहाँ पर एक बनाएंगे, एक चेन लेकर दूसरी वाली बनाएंगे, दो हो गई देखिए,
फिर से एक चेन लेकर और ये तीन, एक चेन लेकर ये चार बनाया, एक चेन लेकर पाँच, एक चेन लेकर छः, फिर से एक चेन लेकर और ये सात, एक चेन लेकर आठ, एक चेन लेकर नौ। ठीक है, नौ डबल क्रोशिया फिर से हमें बनानी है, बट बीच बीच में हमें एक एक चेन लेनी है। ठीक है, अब देखिए फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, इसको सेम ऐसे ही बनाएंगे, बीच में डालेंगे, पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेकर वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, यहाँ पर देखिए नौ डबल क्रोशिया है, तो पहले एक एक बनाएंगे, एक चेन दो, एक चेन तीन, एक चेन चार, एक चेन पाँच, एक चेन लेनी है छः, एक चेन सात, एक चेन आठ, एक चेन नौ। ठीक है, तो इसी तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। सिंपल है, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा, हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फिर से वाले डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही बनाना है। फिर से अब हम तीन चेन बनाएंगे, देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेकर और जो हमने नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसकी फर्स्ट वाली जाली में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर यहाँ से फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो तीन तीन चेन लेते जाना है और इसको ज्वाइन करते जाना है। देखिए तीन तीन चेन लेना है और सब में हम ज्वाइन करते जाएंगे, इसमें भी ज्वाइन करेंगे और फिर से एक दो तीन, तीन चेन लेकर, देखिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, फिर से तीन चेन लेकर अब जो डिज़ाइन जैसा दिखेगा उसको वैसे बनाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, एक चेन और ये दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, फिर से तीन चेन लेकर जैसे अभी हमने बनाया था ज्वाइन करते गए थे वैसे ही हमें इसको बनाना है। तो इस रो को बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं, देखिए तीन तीन चेन लेकर ज्वाइन करते जाएंगे, तो इस रो को बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए पूरी रो हमने बना ली है और फिर से इस वाली डिज़ाइन को हमने बना लिया। ठीक है, जैसा कि हमने बोला कि इस डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं होना है, फिर से तीन चेन और जैसे अभी हमने रो बनाई थी तीन तीन चेन लेते जाना है और ज्वाइन करते जाना है, वैसे ही हमें बनाना है। देखिए एक दो तीन चेन ले ली, इस वाली जाली में डाल के ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीन चेन, एक दो तीन, यहाँ पर ले जाके ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीन चेन, एक दो तीन, यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीन चेन, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए तो जैसे अभी हमने तीन तीन चेन बनाई थी ज्वाइन करते गए थे ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है। इस तरीके से, ठीक है, तो इस रो को बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, इसकी अगली रो में हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमने एक रो और बना ली, टोटल हमने पांच रो बना ली, एक दो तीन चार पाँच, पांच रो बना ली, अब हमारी छठी रो है। ठीक है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच रो बनाने के बाद छठी रो देखिए कैसे बनानी है, तीन चेन लेना है, इसी इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन लेके फिर से हम दो बार बनाएंगे। तो अभी तक हम ऐसे बना रहे थे, ठीक है, चार चार डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हमें छः डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक चेन लेके फिर से दो बार बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है,
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया बना रहे थे, ठीक है। बट अब हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाई है, पहले दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया। देखिए दो, फिर एक चेन लिए, फिर ये दो, फिर एक चेन, फिर ये दो, टोटल हमें 6 बार बनाई है, ठीक है। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, 6-6 डबल क्रोशिया बनानी है और 3-3 चेन लेकर इसको ज्वाइन करते जाना है। तो ज्वाइन जैसे अभी हमने किया था, 3-3 चेन लेकर वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर से 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। देखिए पाइनएप्पल डिज़ाइन बनकर आ रहा है, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, देखिए फिर से 3 चेन, और यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक चेन लेनी है, फिर से 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। हमने पूरी रो बना ली है और इसको ज्वाइन करने के बाद हम बीच में लेकर आ गए हैं साइड से। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था और इसको उनको हम इस तरीके से ज्वाइन करते हुए बीच में ले आए। हमने 3 चेन बना ली हैं, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन लेके फिर से 2 बनाएंगे हम, 1 और ये 2, ठीक है। 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेकर और फिर से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस वाली डिज़ाइन में। यहाँ से 3 चेन, 1 2 3 यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 3 चेन यहाँ ज्वाइन करेंगे, 3 चेन यहाँ पर ज्वाइन किया, 3 चेन और इसको ले जाके इसमें डालेंगे इस वाले डिज़ाइन में। और पहले 2 डबल क्रोशिया, चेन और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब देखिए हमें आगे नहीं घुमाना है, अब पहले हम इस पाइनएप्पल को बंद करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको बंद करेंगे, फिर ऊन को कट करके फिर ये दूसरे वाले पाइनएप्पल को बनाएंगे। तो अब हमें ऊन को कट करना है और इसी तरीके से सारे पाइनएप्पल कंप्लीट करने हैं। तो देखिए अब हमने एक चेन लेके इसको घुमाना है, स्लिप स्टिच करते हुए बीच में लेकर आएंगे 3 चेन, चेन को काउंट किया, 1 डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब यहाँ से 3 चेन, यहाँ डाल के ज्वाइन करेंगे, 3 चेन यहाँ डाल के ज्वाइन करेंगे, 3 चेन यहाँ डाल के ज्वाइन करेंगे, देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब इसमें डालेंगे, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, एक चेन और ये वापस 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो इसी तरीके से अब फिर से हम इसको घुमाएंगे और फिर से इसमें इसको बनाएंगे। देखिए इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे, 3 चेन ले ली, देखिए वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गई, एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, डालकर ज्वाइन करेंगे, यहाँ से 3 चेन और यहाँ डाल के ज्वाइन किया, यहाँ से 3 चेन और इसको बनाएंगे, देखिए बना लिया।
अब ये लास्ट रो है तो लास्ट रो में देखिए, सॉरी अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले पाइन अप इस वाले डिज़ाइन को बना लिया, तीन चेन लेके यहाँ इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीन चेन और इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए इसको बना लिया, ठीक है, फिर से इसको घुमाएंगे और इसको बनाएंगे बीच में लाकर, इसमें बनाएंगे पहले हम, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इस वाले डिज़ाइन को बनाना है और अब हम इसमें डाल के बनाएंगे, इस डिज़ाइन को बना के इसमें बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, कोई चेन नहीं लेनी है हमें, पहले दो डबल क्रोशिया, एक चेन और ये दो डबल क्रोशिया। इस ऊन को हम कट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा एक पाइनएप्पल कंप्लीट हो गया है। इसको कट करेंगे तो देखिए एक पाइनएप्पल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा पाइनएप्पल बनाएंगे, तो दूसरा बनाने के लिए हमें ऊन को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे इस वाले पाइनएप्पल डिज़ाइन में। देखिए कि तीन चेन ले ली हमने और वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन और ये दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ठीक है। यहाँ से तीन चेन लेनी है और जैसे ये वाला पाइनएप्पल बनाया था सेम ऐसे ही हम इस तरीके से तीन तीन चेन लेकर इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए एक दो तीन यहाँ पर डालकर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर चेन, यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन लेंगे और इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से तीन चेन और इस डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही हमें इस वाले पाइनएप्पल को बनाना है और सारे पाइनएप्पल इसी तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं। देखिए इसी तरीके से इस वाले, जैसे हमने वाला पाइनएप्पल बनाया वैसे इसको बनाएंगे और वैसे ही सारे पाइनएप्पल बनाने के बाद उनको हमें कट करते जाना है, ठीक है, और ज्वाइन यहाँ पर ज्वाइन करते जाना है, फिर इसको बनाएंगे, फिर उनको कट करके फिर हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो पूरा हम बनाने के बाद आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा थालपोस बना लिया है, बहुत प्यारा लगता है। आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, तभी हमें पता चलेगा आपको कैसा लगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।